चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के लिए सूर्यन घोषित कर दी खतरनाक प्लेइंग 11। पंजाब की टीम से लिए हार का बदला, अब चेन्नई सुपर किंग्स की बारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं 6 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला सीएसके के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं आईपीएल के 16वें सीजन के सारे बड़े मुकाबले बचे हैं। अब जो भी टीम मैच हारेगी उसे प्लेऑफ की होड़ से बाहर होना पड़ सकता है। अगर मुंबई इंडियंस की टीम को प्लेऑफ की होड़ में बने रहना है तो उसे सीएसके की टीम को मैच हराल में हराना होगा। इसलिए सूर्य ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर सीएसके की टीम को हराने के लिए खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और साथ ही दो ऐसे गेंदबाज को टीम में शामिल किया है जो अकेले ही अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की खतरनाक प्लेइंग 11 की, तो एक बार फिर से रोहित शर्मा और ईशान किशन ही ओपनिंग करते नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा फिलहाल इस समय फ्लॉप साबित हुए हैं, पर ईशान किशन अपने खतरनाक फॉर्म में वापस आ गए हैं। ईशान किशन ने पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ 75 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। सीएसके की टीम के खिलाफ मुंबई इंडियंस के फैंस को रोहित शर्मा और ईशान किशन से ऐसी शानदार पारी की उम्मीद होगी। नंबर 3 पर हमें फिर से कैमरॉन ग्रीन खेलते नजर आने वाले हैं। कैमरॉन ग्रीन इस समय खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और साथ ही वे अपनी टीम के लिए लगातार रन बनाकर अपनी टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 4 पर सबके चहेते सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं सूर्य की पिछले दिनों में खूब आलोचना हुई थी, पर सूर्य अब अपने खतरनाक फॉर्म में वापस आ गए हैं। पंजाब के खिलाफ तो सूर्य ने 31 गेंदों में 66 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। नंबर 5 पर सूर्य ने टीम डेविड को खिलाने का फैसला किया है, तो वही नंबर 6 पर तिलक वर्मा खेलते नजर आने वाले हैं। नंबर 7 पर सूर्य ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर कुमार कार्तिक की जगह ऋतिक शौकीन को खिलाने का फैसला किया है, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी कर लेते हैं। नंबर 8 पर पीयूष चावला खेलेंगे, तो वही नंबर 9 पर हमें नेहल भद्रा खेलते नजर आने वाले हैं। नंबर 10 पर सूर्य ने बदलाव करते हुए जोफ्रा आर्चर की जगह जेसन वैंड्रोप को टीम में जगह दी है। बता दें जोफ्रा आर्चर इस समय अपनी गेंदबाजी से कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। नंबर 10 पर अरशद खान खेलेंगे। तो दोस्तों यदि सूर्य की सीएसके की टीम को हराने के लिए खतरनाक प्लेइंग 11, दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल के 16वें सीजन के फाइनल तक लेकर जा सकते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना। धन्यवाद।